हाय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू एजुकेशन विथ मी आशीष सर। हम स्टैंडर्ड 10th के मैथ्स के चैप्टर नंबर 9 एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री बेस्ड चैप्टर के क्वेश्चन देख रहे हैं, जो बोर्ड की एग्जाम के लिए IMP क्वेश्चन है, जो CBSE 2013 के एग्जाम में ऑलरेडी पूछा गया था। क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। फाइंड द लेंथ ऑफ द शैडो ऑन द ग्राउंड ऑफ द पोल हाइट इज 6 मीटर। यानी कि एक ग्राउंड है हमारा और यहाँ पे क्या एक पोल है AB, जो पोल है जिसकी हाइट कितनी है 6 मीटर है। तो इस 6 मीटर हाइट वाले पोल का शेडो की लेंथ कितनी होगी? यहाँ पे जो सपोज कि ये यहाँ पे हमारे मिस्टर सन भाई हो गए, ठीक है, तो इसके लाइट की वजह से यहाँ पे क्या उसका शेडो क्रिएट होगा ना यहाँ पे। तो ये ग्राउंड पर जो शेडो बनेगा वो शेडो की लेंथ कितनी होगी वो हमें फाइंड आउट करनी है। सपोज कि हम BC है, वो लेंथ ऑफ द शेडो लेते हैं और यहाँ पे जो एंगल ऑफ एलिवेशन है, ओके, व्हेन द एंगल ऑफ एलिवेशन इज अ थीटा, एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है यहाँ पे थीटा है, और ऑफ द सन इज सच दैट 10 थीटा इज इक्वल टू हमें क्या गिवन है 3/4 है, कि थीटा की वैल्यू नहीं गिवन है बट 10 थीटा की वैल्यू हमें गिवन है। तो यहाँ पे हमें क्या फाइंड आउट करना, बेस फाइंड आउट करना है। ऑपोजिट साइड आपको गिवन है थीटा के एंगल की, तो ऑपोजिट और एडजेसेंट है, तो ए पी और ए बी ले, तो ये ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट का फॉर्मूला, ओके, तो ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट का फॉर्मूला क्या है 10 थीटा। यहाँ पे स्पेशल इस केस के अंदर 10 थीटा की वैल्यू ऑपोजिट साइड है इनकी क्या है AB और यहाँ पे क्या है BC, और यहाँ पे हम 10 थीटा का भी 10 थीटा ही रखते हैं। नाउ 10 थीटा की वैल्यू में क्वेश्चन के बेस गिवन क्या है, 10 थीटा की वैल्यू है वो 3/4 है, 3/4 इज इक्वल टू हाइट AB कितनी है। तो ओके, यहाँ पे हमें फर्स्ट पहले लिखना पड़ेगा हाइट ऑफ पोल AB इज इक्वल टू 6 मीटर एंड लेंथ ऑफ शैडो BC इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, वी नीड टू फाइंड। तो AB की वैल्यू 6 है डिवाइड बाय BC, ये जी डायरेक्ट रखते हैं ना। ये BC है, यहाँ पे डिवीजन में किसमें है, डिवीजन में, तो वो लेफ्ट साइड जाएगा तो क्या होगा, ऊपर चला जाएगा 3/4, और यहाँ पे 4 है वो सामने की साइड जाने देते हैं, 3 × BC और 4 × 6, 6 × 4, 6 × 4 = 24, ये 3 अब इस साइड जाएगा तो क्या होगा, डिवीजन में जाएगा, तो 24 को 3 से डिवाइड करोगे तो आई थिंक क्या मिलेगा 8 मीटर। सो लेंथ ऑफ द शैडो इज इक्वल टू कितना होगा 8 मीटर होगा। सो लेंथ ऑफ शैडो इज 8 मीटर। थैंक यू स्टूडेंट वॉचिंग फॉर वीडियोस, और यदि आपको वीडियोस में सॉल्यूशन समझ में आया तो ये अपने मैक्सिमम स्टूडेंट के साथ शेयर करना, और चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करना भूलना नहीं। थैंक यू स्टूडेंट।